लगता है मुख्यमंत्री पंजाब क्यों नहीं गल करना चाहते केंद्र के नाल क्यों नहीं पंजाब जिहड़े लोगों के लिए चीज़ा करना चाहते कोई इस दे पिछे कोई गलबात है। सरकार काम करती होंगी अपनी जिम्मेवारियों का सरकार को एहसास होंदा ते जिड्डी वड्डी ये समस्या बनी है जिहड़ी मैं कह सकता मैन मेड समस्या ज़्यादा और कुदरती घट है। टीचर कल चीक चीक के कह रहे थे कहते पहले बड़ी डांगा खादिया ने भावें अकाली से भावें कांग्रेस से कहते हूँ डांगा नहीं खानिया पुन नौकरियां मिल सारे पंजाब नूं पता है कि जिहड़े फंड रिलीज़ होने चाहिए से नालियां की सफाई वास्ते ड्रेना की सफाई वास्ते वो फंड नहीं रिलीज़ हुए फिर उस तो बाद जो हड़ आ गए तो किन्ने थावां तो तुसीं बंद टुटे इन्हां दी पहलां रख्या किन्ने करनी हुंदी है इन्हां नूं मजबूत किन्ने करना हुंदा सरकार ने उह नहीं कीता हुण जदों हड़ां दे नाल एड्डा वड्डा नुकसान हो गया तो हाले तक लोकां नूं कोई राहत ना दी चीज़ सरकार वल्लों नहीं है इश्तिहारां दे उत्ते करोड़ां रुपए खर्चे जा रहे हाले तक कोई केंद्रीय टीम पंजाब दे विच नहीं आई इहदा मतलब कि केंद्र नाल भी इन्हां दा कोई तालमेल नहीं इन्हों सिस्टम की लोगों की कोई परवाह नहीं इन्हों तो यह है कि इश्तहार किन्ने दे के तो लोगों को गुमराह करके ये जिम्मेवारी किसी दूजे ते किवें पाई जा सकती सारा सोशल मीडिया भी भरया होया भी तीन बारी कच्चियां नूं पक्के किया जा रहा तो फिर कच्चे दे कच्चे ही है इस करके झूठ तो झूठ ही है। श्रोमणी अकाली दल का वफद अज गवर्नर दे नाल मुलाकात करके आया कह के आया कि सरकार नूं चाहीदा है कि लोगों के जिस तरीके दे नाल नुकसान होए ने हड़ां दे नाल मुआवजे दिते जाण इहो जिही ढिल ना वरती जाए जिहड़े सैर सपाटे ऐडा वगैरह ये ना कीतियां जाण। साडे नाल इस वक्त चीमा साहब ने डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा गलबात करांगे समझांगे कि अजिहा क्यों लगता है कि सरकार काम क्यों नहीं कर रही। चीमा साहब अज मंग पत्र दे के आए हो अजिहा क्यों लग रहा कि काम क्यों नहीं कर रही सरकार सरकार तो कह रही है कि असं जमीनी पद्धर से काम कर रहे हैं। देखो पहली गल है कि जे सरकार काम करती होंगी अपनी जिम्मेवारियों का सरकार को एहसास होंदा तो जिड्डी वड्डी ये समस्या बनी है जिहड़ी मैं कह सकता मैन मेड समस्या ज़्यादा और कुदरती घट है क्योंकि जदों तुसी आप गवर्नर साहब मनते हैं कि जिहड़ी तैयारी वास्ते मीटिंगां होनियां चाहीदियां सी वो मीटिंगां नहीं होईयां सारे पंजाब नूं पता है कि जिहड़े फंड रिलीज़ होने चाहीदे सी नालियां दी सफाई वास्ते ड्रेना दी सफाई वास्ते वो फंड नहीं रिलीज़ होए फिर उस तो बाद जदों हड़ आ गए तो किन्ने थावां तो तुसीं बंद टुटे इन्हां दी पहलां रख्या किन्ने करनी हुंदी है इन्हां नूं मजबूत किन्ने करना हुंदा सरकार ने उह नहीं कीता हुण जदों हड़ां दे नाल एड्डा वड्डा नुकसान हो गया तो हाले तक लोगों नूं कोई राहत ना दी चीज़ सरकार वल्लों नहीं है इश्तिहारां दे उत्ते करोड़ां रुपए खर्चे जा रहे हाले तक कोई केंद्रीय टीम पंजाब दे विच नहीं आई इहदा मतलब कि केंद्र नाल भी इन्हां दा कोई तालमेल नहीं गिरदावरियां हाले जिहड़ियां पंजाब दे लोकां दे नुकसान दियां मुकम्मल नहीं होईयां तो फिर दसो सरकार दा होर काम रह किहड़ा गया। की लगता है मुख्यमंत्री पंजाब क्यों नहीं गल करना चाहते केंद्र के नाल क्यों नहीं पंजाब जिहड़े लोगों के लिए चीज़ा करना चाहते कोई इस दे पिछे कोई गलबात है। देखो ये जिहड़ी सारी सरकार है जां आम आदमी पार्टी है ये झूठ दे सारे चलदी है इन्हों सिस्टम की लोगों की कोई परवाह नहीं इन्हों तो यह है कि इश्तहार किन्ने दे के तो लोगों को गुमराह करके ये जिम्मेवारी किसी दूजे ते किवें पाई जा सकती नीयत ही नहीं है लोक सेवा वाली जिहड़ी गल हुंदी है जिम्मेवारी निभाउण वाली गल वो नीयत ही नहीं है वो तो कहते असीं कर रहे हैं जो कहने वो करते हैं कहते असीं टीचर पक्के करते कहते 12,500 नूं जिहड़ा पक्के तौर पर कर दिता गया हुण 58 सालों तक कोई नहीं हिलाएगा तनखाह जिहड़ी वध दे दित्ती कहते 3,500-3,000 यह तनखाह दे रहे सीगे पहलां हुणे मजीठिया साहब ने तुहानूं कल्ली कल्ली चीज़ गिण के दसी है कि जे पक्के कर देण तो फिर वो चीज़ा जिहड़ियां सारियां उन्हां नूं मिलनियां चाहीदियां पहलां तुसीं कोई पे स्केल फिक्स कीता उन्हां दा कोई इहोजा मुलाजम देश च हैगा किसी भी महकमे का जिहड़ा पक्का हो जाए उहदा कोई पे स्केल ना हो फिर यह जिहड़ी यकमुश्त आ तुसीं थोड़े जे पैसे वधाए आ इहदे नाल तुसीं दुबारा उन्हां नूं जिस गेट दे विचों पहलां चलदे सी उसे गेट के दोबारा पाता। टीचर कल चीक चीक के कह रहे थे कहते पहले बड़ी डांगा खादिया ने भावें अकाली से भावें कांग्रेस से कहते हूँ डांगा नहीं खानिया पईआं हुण नौकरियां मिल जाएंगी नहीं हुण जिहड़ी दूजी भी धिर ने नाल दी नाल बराबर दी भी जिहड़ी है स्टेज ला के तो यह गल भी कही सी कि साडे नाल तीजी वारी फिर धोखा हो गया सारा सोशल मीडिया भी भरया होया भी तीन वारी कच्चियां नूं पक्के कीता जा रहा तो फिर कच्चे दे कच्चे ही है इस करके झूठ तो झूठ ही है।
गुरुद्वारे भी कहते सियासत की जा रही है आई जी पी सी खास तौर पर लैके उसू लैके की कुछ कहा गया कि लगता सरकार ने पैर जे पिछे करने चाहिए है इस चीज़ में लैके कि गुरुद्वारे इस तरीके घर संगत दे जी है गोलक के नाल चलते है दसवंध के नाल चलते है जे इस पद्धर तक नीवियां साजिशा घड़ोगे कि वो प्रबंध में खराब करने वास्ते उत्थे यूनियन रजिस्टर कराएगी सरकार इस तो वड्डा मैं समझदा गुरु घर नाल मत्था लाने वाली होर कोई गल हो नहीं सकती सो ये तो संगत जवाब देगी जो लुकी बनाते हैं पर मुख्यमंत्री साहब नूं भी यह पता होना चाहिए कि कौम ने कभी यह गल्लां किसी नूं माफ़ नहीं की। डॉक्टर साहब साढ़े नाल सीगे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा गलबात की है तमाम चीज़ों को लैके जिस तरीके वफद ने मुलाकात की है मुलाकात के जिहड़ियां मंगां रख दित्तियां ने पहलां तां हड़ां नूं लैके जिस तरीके हड़ प्रभावित इलाके ने लोगों का नुकसान होया उस चीज़ नूं लैके कहिंदे मुआवजे दित्ते जाण तुरंत फौरी तौर पर क्योंकि ये गोदावरी का समा नहीं है क्योंकि कहा जा रहा कि स्टाफ ही नहीं है इन्हों की यूनियन ने चिट्ठी लिख दी है कि साढ़े को स्टाफ नहीं है कि किस हिसाब नाल गुरदावरी करा दिए चाहिए है कि मुख्यमंत्री पंजाब नूं कि पहले तौर पर जिन्हों का नुकसान होया उन्होंने मुआवजा देना चाहिए तो दूजे पासे कहिंदे सियासत गुरुद्वारे दे विच नहीं होनी चाहिए सरकार इस तरीके दे नाल नहीं करना चाहिए जिहड़ी यूनियन बनाई सी वह भी जिहड़ी है सरकार की चाल है इस तरीके दे नाल नहीं होना चाहिए पर आने वाले दिनों दे विच तस्वीर की होंदी है वह भी तुहाडे नाल सांझी करांगे विचार जो सांझे करो कैमरा साहब जोगदेश शेवा धन्यवाद।